वेटेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। चलो कहता है विच ऑफ द फोर वायर, हम लोग पास चार वायर है मेरे प्यारे बच्चों, तो चार वायर हैं तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा, किस में, अब इसमें किस में सबसे ज़्यादा इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा, तो हम लोग फार्मूला रट लिए हैं कि y एन स्मॉल y इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल होता है, y इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल, तो जो एरिया होता है एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर होता है, डायमीटर के टर्म में लिखोगे तो आर आर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, इसका मतलब इस फार्मूले को मैं लिख सकता हूं कि वन y इज इक्वल टू फोर एफ एल दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, अब देखो इलोंगेशन चार वायर है जिनके लेंथ और डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ बाकी सारा सेम हुआ तो इलोंगेशन डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर का स्क्वायर, है ना। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सबका चेक करना पड़ेगा यार, ठीक है, कि किसमें ये मैक्सिमम होगा, जिसमें ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी उसमें इलोंगेशन मैक्सिमम होगा यार, ये जिसके लिए मैक्सिमम होगा उसके लिए ये मैक्सिमम होगा इलोंगेशन, हर एक का चेक करो, है ना, तो हर एक का चेक करो, तो चलो भैया चेक करते हैं, तो हर एक का अगर मैं चेक करूं तो एल अपान डी स्क्वायर पहले वाले केस में आ जाएगा, पहले एल स्क्वायर एल कितना है 200, ठीक है, और डायमीटर का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो -4 और ये आ गया, ये आ जाएगा 5 और एक जीरो ख़त्म हो गया, 5×10⁻³ आ गया पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए कैलकुलेट करो, तो दूसरे वाले के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये 300 और डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई डायमीटर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 9 × मिलीमीटर है सेंटीमीटर में 10⁻⁴ इसमें आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3, ठीक है, इसका मतलब 1/3 इज इक्वल टू 10/3 इज इक्वल टू 10³, इसका मतलब हुआ 3.33×10³, ये दूसरे में आ गया। तीसरे वाले में चेक करो, 50 सेंटीमीटर अपॉन 0.5 है, तो 50 सेंटीमीटर और 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर जो है 0.25×10⁻⁴, तो 0.25 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 50 आ जाएगा 20 × 10³�³, ये तो बहुत इसी में आ रहा है। तीसरे वाले में 100 और 1 मिलीमीटर है, तो 100 एल का स्क्वायर मतलब 100 और 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर 10⁻²² का स्क्वायर दैट इज 4 दैट इज 10×10³, ठीक है, अब कंपेयर कर सकते हो, देख रहे हो सी ऑप्शन में सबसे अधिक वैल्यू है डेल्टा एल अपन डी का, इसका मतलब मैक्सिमम होगा इलोंगेशन, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना सी।